आपने तो प्रोमो देख ही लिया होगा यहाँ पे, तो मतलब टोटल कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। ऋषि लक्ष्मी और मलिष्का का ट्रायंगल कम्प्लीटली बना हुआ है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बट जो भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर शो अच्छा कर रहा है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सब एक टीम एफर्ट है। किसी एक को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, टीम बहुत अच्छी है। हर एक बंदा शो पर उतनी मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, पूरा टीम एफर्ट है। और आई एम ग्लैड कि सबको मजा आ रहा है, ग्लैड कि शो इतना अच्छा कर रहा है और इतने कम टाइम में उसने अपने लिए पहचान बना ली। सो हैप्पी। या पहचान मेरी, आपने भी पहचान बना लिया है, आपने भी अपनी पहचान बना ली है। जानना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे पहले क्या कुछ फोकस करना चाहिए? आई थिंक एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें और आप अपने आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर काम करें, आपकी वीकनेसेस पर भी काम करें और आप ओरिजिनल रहें। बी योरसेल्फ। थैंक यू। सो मैम, सीजन 1 को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सीजन 1 इतना ह्यूज सक्सेस था, दैट इज़ वाई हम लोग सीजन 2 तक पहुँचे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है सीजन 2 को लेके, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से सीजन 2 आ भी गया, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ ह्यूज सक्सेस कि हम सीजन 2 के पे इतनी जल्दी पहुँच गए। सो या वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड सी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब। नए लोग होंगे, दे विल बी वेरी मच मोर क्या, सब इक्वली टैलेंटेड ही होते हैं। बट या रियली एक्साइटेड टू सी द न्यू कंटेस्टेंट्स। ओके, और क्या कुछ लेकर एक्साइटमेंट है सीजन 2 को लेकर, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे सीजन 2 में किस चीज़ को? सीजन 2 में एक तो हमारे साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट नए जुड़ रहे हैं, हु इज गोइंग टू गाइड ऑल द कंटेस्टेंट्स अबाउट देयर फिटनेस रेजीम एवरीथिंग। देन जो हमारे मेकअप की है चिराग मेकओवर्स, दे आर गोइंग टू टीच them makeup as in, you know, morning mein kya karna chahiye, evening mein kya karna chahiye. So they're going to learn makeup, imagine they're going to learn about makeup, about fitness, about self grooming, you know, unka pura personality development hone wala hai with the show. So these are things. Then there is one more thing that is added in this, that jo bhi social myths hote hain women ko leke, girls ko leke, that hame ladkon ke samne oh my god ye nahi bolna chahiye, parents ke samne ye nahi bolna chahiye, wo bhi tootne wale hain. I think there is a round related to that, something related to social myths hai ki, you know, unka awareness hoga that we should grow from that and we should not think about those bits and all. What's your fitness mantra? Actually, I'm not, you know, into fitness, but I'll tell you the mantra. You should eat home food. Eat home food. Don't eat bahar ka at all. And बहुत मन करता है कि ये खा ले वो खा ले, but मैं personal experience से ये कह रही हूँ कि मैं दाल चावल खाने से पतली हूँ। ओके, कुंडली भाग में आपका जो रोल है बहुत ही दर्शकों पे प्रभावित हुआ है, बहुत ही ऑडियंस